हे व्हाट्सअप गाइस, प्रत्युष हर्षो का स्वागत है आप सभी लोग का हमारे एक और ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल वीडियो में। एंड आज के वीडियो में मैं आपको किसी फार्म की ट्यूटोरियल नहीं देने वाला हूँ, मतलब फार्म की देने वाला हूँ, लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो, जो हमारे ऑटोमेटिक फार्म वगैरह होते हैं उस चीज की ट्यूटोरियल नहीं देने वाला हूँ। मैं आज आपको एक बहुत ही ज्यादा कमाल के और धासु बिल्ड की ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इफ अगर वो चीज आप लोग अपने वर्ल्ड में बनाओगे तो भाई साहब आपका वर्ल्ड कतई गजब लगेगा, चार चांद लग जाएंगे आपके वर्ल्ड को, आप एक बार देख लो। चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए लगने वाले रिसोर्सेस आपको स्क्रीन पर भी दिख ही रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जरूरत पड़ेगी लीव्स की, जो कि होने वाले ये फ्लावरिंग लीव्स, एंड साथ ही में हमें ओक की भी जरूरत पड़ेगी। आप नॉर्मल वाले ओक लेके बाद में उनको एक्स से चॉप कर सकते हो, स्ट्रिप कर सकते हो। मैं सीधा स्ट्रिप ही लूंगा, आप चाहे तो स्ट्रिप करके ले सकते हो, आप पहले लगा के उनको बाद में स्ट्रिप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे लगाएंगे यहाँ पर एक, देन उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे दो तीन चार पांच, देन वापस एक, देन उसके बाद वापस एक दो चार पांच, देन वापस एक, देन वापस एक दो तीन चार पांच, एंड देन वापस एक ट्रिप ओक लॉक। यही सेम चीज करेंगे अपन इस साइड के लिए भी। यहाँ पर लगाएंगे एक दो तीन चार पांच, देन वापस एक लगाएंगे, देन वापस एक दो लगाएंगे, देन वापस इसको लगाएंगे, ठीक है, देन वापस पांच लगाएंगे, एक दो तीन चार पांच, देन वापस ये लगाएंगे। एंड जो चीज हमने उस साइड की है सेम चीज हम इस साइड करेंगे, एक दो तीन चार पांच, देन ये, देन वापस एक दो चार पांच, देन वापस है, देन वन टू थ्री फोर फाइव, देन वापस है, देन उसके बाद वापस वन टू थ्री फोर फाइव, देन वापस है। बीच में दो ब्लॉक छोड़ देंगे हमारे एंट्रेंस के लिए, देन वापस यहाँ पर ये लगाएंगे, देन वापस इसको कंप्लीट कर लाइक दिस। इसी के साथ हमारा फिलहाल आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। अभी गाइस अगर तुम्हें पता नहीं ये लीव्स कहाँ मिलेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये लीव्स हमें मिलेंगे मॉस्केव्स में। अगर तुम्हें मॉस्केव्स का आता पता नहीं है तो आप नॉर्मल हमारे लूज भी यूज कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा दिखेंगे। देन इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी फेंस गेट की, तो हम ओक फेंस गेट लेंगे, एंड हमें जरूरत पड़ेगी वॉल की, तो मैं कोबलस्टोन वॉल ही लूंगा, बिकॉज ये मिलने में भी काफी ज्यादा इजी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी एक हाइट बढ़ाएंगे, इसकी वापस एक हाइट बढ़ाएंगे, देन यहाँ पर अपन ऐसे करके दो लगाएंगे, एंड देन सेम इस साइड से भी लगाएंगे लाइक दिस। यहाँ पर बीचों बीच अपन एक वॉल लगा देंगे, एंड वापस वॉल के भी लाइक दिस ऐसे करके फेंस गेट लगा देंगे यहाँ पर। तो हमें ये सेम चीज इसके हर साइड रिपीट करनी है। सो ऑलराइट, इसी के साथ हमारी आउटलाइन पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। अभी बारी आती है इसके अंदर वो चीज बनाने की जिसकी वजह से अपनी ये काफी ज्यादा सुंदर दिखने वाली है। देन इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे फेंस गेट ऐसे करके लगा देने हैं लाइक दैट। अभी जो इसके सामने वाले जो दो दिख रहे हमें, ये वाला एक तोड़ देंगे अपन, ये वाला एक तोड़ देंगे, यहाँ पर हम वापस लगाएंगे वॉल्स, और यहाँ पर भी लगाएंगे वॉल्स, एंड देन इसके बाद इसको हम वापस ऐसे करके पीछे के साइड ले जाएंगे। सेम हम इसको भी करेंगे ऐसे करके वापस पीछे के साइड ले जाएंगे। इतना होने के बाद हमें जरूरत पड़ेगी फेंस की, तो हमें ऐसे वॉल के ऊपर फेंस लगा देने हैं दो दो हाइट के लिए, एंड पीछे इस साइड के लिए भी एक फेंस लगा देना है। सिंपल, यहाँ पर भी एक फेंस लगा देना है, यहाँ पर भी एक लगा देना है, और उस साइड से भी। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी स्लैब की, मैं स्प्रूस वाला स्लैब ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा दिखते हैं। देन हमें इसके ऊपर एक एक लेयर लगा देनी है स्लैब की, सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे, एक एक लेयर लगा देंगे स्लैब। ऑलराइट, हमने हर साइड से स्लैब्स वगैरह लगा दिए हैं। अभी हमें जरूरत पड़ेगी कैंप फायर की, तो हम यहाँ पर एक कैंप फायर ले लेते हैं, देन उसके बाद हम कैंप फायर को ऐसे करके लगा देंगे। तो ऑलराइट, हमने पूरी जगह कैंप फायर लगा दी है। अभी हमें जरूरत पड़ेगी शॉल की, तो शॉल लेके हम इन सबको बुझा देंगे लाइक दिस। ऑलराइट, हमने सारी कैंप फायर बुझा दी है, एंड लिटरली गाइस ये अभी बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है। देन हम यहाँ पर अपन को जो भी एनिमल रखने हो रख सकते हैं, जैसे कि काउ, शीप एंड पिग्स वगैरह। देन इसके बाद अभी ये जो आगे की कुछ खाली जगह बची है, यहाँ पर अपन को बनानी है हमारी नेक्स्ट चीज। उसके लिए हम वापस इधर से फेंस गेट लगा, इधर से ऐसे करके फेंस गेट लगा
लगा लेंगे। यहाँ पर अपन वापस एक वाल लगाएंगे एंड इधर से अपन वापस ऐसे करके फेंस गेट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर बीचों बीच एक होल कर लेते हैं, देन यहाँ पर अपन डालेंगे वाटर, देन उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी एक हो की, तो इस पूरी जगह को हम हो कर लेंगे। देन हम यहाँ पर पूरी जगह पे वीट सीड लगा देंगे, बिकॉज मुझे वीट सीड ही पसंद है। आप डिजाइन के लिए कुछ और लगा सकते हो। एंड गाइज, ये सिर्फ डिजाइन के लिए होने वाला, ये कोई फार्म वगैरह नहीं होने वाला है। स्पेशल हमारा क्रॉप फार्म, ये जस्ट बिकॉज फॉर डिजाइन, ताकि और भी ज्यादा अच्छा लगे। तो ऑलराइट, अभी हमारा फार्म भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। देन इसके बाद इस साइड से भी अपन वापस दूसरा कोई फार्म बना लेंगे। ऑलराइट, हमारा दूसरे साइड वाला भी फार्म बन चुका है। अब ये जो सामने वाली दो जगह हमारी बची हुई है, तो अभी बारी आती है इन दो जगहों को भरने की। इसके ऊपर भी अपन वापस कैंप फायर ही लगाएंगे। सो ऑलराइट, हमारी इसकी छत भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप चेस्ट वगैरह रख सकते हो, यहाँ से मिलने वाला सामान जैसे वीट हो गए, कैरेट्स हो गए, या हमारे एनिमल से मिलने वाला ऊल वगैरह, कुछ भी जो भी हो, यहाँ पर चेस्ट बना के यहाँ पर चेस्ट में रख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर हेबेल्स रख देता हूँ जस्ट बिकॉज फॉर शो। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ लैंटर्न्स लगा देते हैं ताकि यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा ना दिखे। एक ही रखता हूँ मैं, एक को हटा देता हूँ लाइक दिस। अभी ये एक साइड की जगह बच रही है, तो यहाँ पर हम नीचे खोद लेंगे। देन यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी कुछ कोबल स्टोन एंड स्टेयर्स की, तो हम यहाँ पर नीचे ऐसे करके कोबल स्टोन लगा देते है एंड यहाँ पर ऐसे करके स्टेयर्स लगा देते है लाइक दिस। अभी यहाँ पर हम भर देते है हर साइड से पानी लाइक दिस। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी कुछ चिजल्ड स्टोन ब्रिक की, जिनको हम यहाँ पर ऐसे बीचों बीच लगाएंगे एंड इसको 3 ब्लॉक हाइट तक ऊपर उठाएंगे एंड यहाँ पर एक वाटर बकेट डाल देंगे, जिससे कि बिल्कुल फाउंटेन जैसा ही लगेगा। फिर हम वापस लेंगे शॉल एंड यहाँ पर अच्छे से रास्ते बना लेंगे अपने अंदर जाने के। इसके बाद हम यहाँ पर जगह जगह पे लैंटर्न लगा देंगे ताकि यहाँ नीचे अंधेरा ना हो बिल्कुल भी। तो इसके साथ गाइज, हमारा एक छोटा सा एनिमल फार्म और जो भी हो, एक बढ़िया सा डिजाइन पूरी तरीके से रेडी है। आप लोग इसको अपने वर्ल्ड में बनाओगे या नहीं बनाओगे, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अलसो अगर आपको ये चीज पसंद आई होगी तो प्लीज यार कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा ऐसे हंसू वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए बाय।